प्रश्न है, इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं हो सकती है। ऐसे बहुत सारी विशेषता है, सब एज ग्रुप के हैं, प्योरिटी मस्ट है, अच्छा, और एक जैसा पढ़ाया जाता है, और भगवान खुद पढ़ाते हैं। हाँ, हमारा प्रोफेसर है या प्रिंसिपल है या वो क्या बोलते हैं, डीन है, डीन है, सब कुछ है। मनुष्य शुद्धि होता अच्छा बनती है। अच्छा और चलो मुरली से फाइंड आउट करना लास्ट में। हाँ, किसी का बैरिस्टर बनना, किसी का इसमें, तो सबका एम ऑब्जेक्ट एक ही है। देवता में भी तो हायरार्की कैटेगरी है ना, कोई सोचेगा बस भाई दासी काफी है, देवता तो बनेंगे, कोई सोचेगा नहीं नहीं क्यों नहीं, साहूकार प्रजा तक तो आए, तो अलग अलग एम ऑब्जेक्ट हो सकती है कि एक ही है, देवता तो एक ही है ना। अच्छा चलो फाइंड आउट करना। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ, ओम शांति, वो है ना, नई दुनिया बसाने आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जो यहाँ तकदीर बनाने आए हैं, क्योंकि तकदीर को क्या हुआ है, तकदीर को लकीर लगी हुई है, भारत तकदीरवान था, भारतवासी देवी देवताएं थे, तकदीर जगी हुई थी, अभी भारतवासी नरक के मालिक है, तो तकदीर उझाई हुई है, ये कौन समझाते हैं, जो सभी की तकदीर बनाने वाला है, तकदीर सोई हुई है। नॉर्मली दुनिया में मानते हैं तकदीर का मीनिंग है फिजिकल, समृद्धि है, पैसा बहुत है, चलो संबंध अच्छे हैं, और हमारा तकदीर की डेफिनेशन है, हमारी तकदीर की डेफिनेशन, वो तो इसका रिजल्ट है, भगवान को पहचानना, ये तकदीर की। मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, ये तकदीर है, वहां कहते संबंध मेरे कंट्रोल में है, फाइनेंस मेरे कंट्रोल में, बुद्धि मेरे कंट्रोल में है, संस्कार मेरे कंट्रोल में है, ये तकदीर है। तो क्या हो गया, वो वाली तकदीर थी फिजिकल, लेकिन ये नहीं थी, तो धीरे धीरे वो होकर भी उसका सुख नहीं ले पाए, और अगर ये है, वो चाहे कम है ज्यादा है, तो उसका जितना जितना ये फुल कंट्रोल में है, उतना फुल सुख, चाहे वो इतनी सी है, एजुकेशन मेरा इतना सा है, दादी जान की कितनी पढ़ी हुई बोला ना, 2 साल क्लास में गई फिर छोड़ दिया, तो वो इतना सा पड़ा हुआ है, लेकिन फुल तकदीर है, तकदीर का फुल सुख है। तो बाबा कहते हैं, तो अब तकदीर सोई हुई है, सारे मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला जरूर बेहद का बाप ही होगा, बाप रचेता है। अब तुम जानते हो भारत में सब मनुष्य सुखी थे, कौन से मनुष्य, ऐसे नहीं सतयुग में इतने सब मनुष्य थे, पहले पहले सतयुग में 9 लाख थे, देवी देवता धर्म की शुरुआत थी, ये सब बातें समझाने वाला है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। अच्छा बच्चों से पूछेंगे, तुम्हारा बीज रचता कौन है, तो कहेंगे मम्मा बाबा ने हमको रचा है, क्योंकि सब माँ बाप से ही जन्म लेते हैं, बाप स्त्री को जन्म नहीं देता है, एडॉप्ट करता है, तुम मेरी स्त्री हो, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, वह है क्रिएटर, स्त्री को एडॉप्ट किया, कन्या पराई घर की थी, उनको अपनी पत्नी बनाते हैं, फिर जब बच्चे पैदा होते तो बच्चे उनको मात पिता कहते हैं, वह है हद के मात पिता, बाप कन्या की शादी कराते हैं, पहले कन्या पवित्र है तो कितना मान होता है,
फिर विकारी बनने से वह मान नहीं रहता, उसी उसी नेक्स्ट अवर झुकना शुरू हो जाता है ना, बंधन बंधे और वो मान का कैटेगरी लेवल चला गया। तो कहते कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब बाप बैठ समझाते हैं कौन सा 21 कुल। उन्होंने सोचा कि अच्छा निकले, ससुराल में अच्छा नाम बाला करे, उसके लिए कहते ना इसका 21 कुल तर गया। नॉर्मली तो यही है, कैसे राजू बहन? मतलब ये नहीं, अब 21 कुल कौन सा, पीछे वाला आगे वाला, ये भी क्लियर नहीं है। और उसके अच्छे होने से उनके कर्म बुरे, वो उनका उद्धार कैसे हो जाएगा? जो करेगा उसका उद्धार होगा ना, उसका उद्धार कैसे हो जाएगा? वो उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए तो कभी सोचा नहीं। यही मोटिवेशन करने के लिए कि देखो अच्छी बच्ची निकले, अच्छा नाम हो, तो वास्तव में क्या उसका रहस्य है? राइट है, कन्या की और 21 कुल की, पर रहस्य है कि अगर वो कन्या निकले जो पवित्र बन, बहुतों को पवित्र बनाती है, तो वो उस आत्मा का 21 कुल तक का उद्धार करती है, स्वयं का भी उसका भी। उसका उद्धार करेगी ना, जो उसके नॉलेज से वो निमित्त बनी, वो कार्य किया उसके लिए। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब बाप बैठ समझाते, यह जो ब्रह्मा कुमारिया है, यह इस समय भारत वासियों का 21 जन्म के लिए उद्धार करती है, एक जन्म और 20, 1+20 कि 20+1। अभी का संगम युग का एक जन्म, फिर 20 जन्म, तो ये सब कुमारिया है। अच्छा, भल शादी की हुई है लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारिया बने, तो भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए ना, काम कटारी चला नहीं सकते। पवित्रता का मान तो है ना, सन्यासी पवित्र बनते हैं उनका भी मान है ना। एक्चुअली प्योरिटी क्यों मस्ट है, जो शास्त्रों में भी बताया था, जितना आत्मा प्योर होती है उतना वो अपने आप को कंट्रोल कर पाती है। ये जो दुनिया में कहते हैं ना, क्रोध मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये आदत के वशीभूत है, ये छुड़ाया छूटता नहीं है, ये सब अनकंट्रोलिंग क्यों चला गया? क्योंकि विकार में, काम विकार एक कमांडर है, अगर उसको कंट्रोल कर लो ना, बहुत सारी आदतों को हम इजीली चेंज कर सकते। तो बाबा इसलिए कहते हैं सन्यासी पवित्र बनते तो उनका मान भी है। भारत में पवित्रता थी तो भारत सदा सुखी था, संपूर्ण निर्विकारी था। मंदिरों में जाकर गाते आप सर्वगुण संपन्न, तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, यूरोप में रहने वाले का धर्म यूरोपियन थोड़ी कहेंगे। कितना लॉजिकल है, इसको इस पर तो अच्छा डिबेट हो सकता है। धर्म तो क्रिश्चियन है, हिंदुस्तान में रहने वालों का हिंदू धर्म है नहीं, धर्म तो और होना चाहिए, जो स्थान के अकॉर्डिंग नाम तो नहीं होना चाहिए, तो इसके पीछे क्या रहस्य है फिर? हिंदू हिंदू क्यों कहलाने लगे? हाँ, सिंधु नदी के इस तरफ क्या हो गया हिंदुस्तान, वो पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान, ये तो अभी कहने लग गए, पर एक्चुअली हिंदू शब्द हमारे वेदों में भी मिलता है और उसमें क्लियर है कि वो दैवी गुण वाले और वो वाले, उनको हिंदू कहते थे। हाँ, बाद में हमको ये बताया तो वो पूजा तो फिर देवी देवताओं की करते हैं ना, सत्युगी देवी देवताओं की। धर्म तो और होना चाहिए। बाप समझाते हैं जो देवी देवता धर्म वाले थे वही अपने को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदू कोई आदि सनातन धर्म नहीं है,
क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। यहाँ तो किसको ये भी पता नहीं कि हम किस धर्म के हैं। कोई सिख धर्म वाला होगा तो बताएगा कि हम सिख धर्म का हूं। अच्छा, सिख धर्म किसने स्थापन किया तो कहेंगे गुरु नानक ने स्थापन किया। उन्होंने यह धर्म कैसे स्थापन किया या फिर तुम जानते हो? अब इसके पीछे कई विधि, धर्म स्थापन करने की विधि, वो तो कह देते गुरु नानक ने स्थापन किया, लेकिन गुरु नानक ने किया? कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। जो जो धर्म स्थापक होते हैं वह पहले पहले पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। तो क्राइस्ट और जीसस की बॉडी थी, पहले जीसस नाम था उसका और क्राइस्ट, तो जीसस क्राइस्ट इसलिए बोलते हैं ना फिर, क्योंकि क्रिश्चियन तो फिर क्राइस्ट बता दिया। तुम जानते हो हमारा वह बाप है, तो सिर्फ उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की। ये लॉजिक पता है नवल भाई? जब भी वो आत्मा, जैसे गुरु नानक का शरीर है, वो तो जन्म गया, जन्म ले ले लिया है, और कितने समय के बाद फिर उनका वो जो भी साक्षात्कार, मतलब जो भी विधि है, उसके बाद वो टीचिंग शुरू करते। नहीं तो वो ऑर्डिनरी थे, हाँ स्पेशल थे, उनके चाल चलन नेचुरली है। जिस वो अब पवित्र आत्मा, अब उसकी विधि क्या हो गई कि अब वो आत्मा भी है उस शरीर में, मतलब नॉर्मल उसकी आत्मा तो है ही, और ये आत्मा हो सकता है 2-3 जन्म ले चुकी हो, वो हमें पता नहीं। उस जीसस की आत्मा है, गुरु नानक की, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, फिर फ्रेश आत्मा उस परम धाम से डायरेक्ट आती है और वो प्रवेश करती है, उस समय से फिर उनका मन चेंज हो जाता है और तब फिर वो अपना वो वाली टीचिंग शुरू करती है। धर्म स्थापन की रिक्विजिट है प्योरिटी, पवित्र आत्मा, जिसने पहले अभी जन्म नहीं लिया है इस पूरे कल्प में, वो जरूरी है। इस कारण उसका बहुत असर पड़ता। मतलब वो क्राइस्ट एक्चुअली नाम उसका है ना, क्रिश्चियन धर्म से क्राइस्ट का नाम हुआ। बुद्धा का क्या है? बौद्धि, तो वो बुद्धा नाम हो गया उस आत्मा के नाम से, सिद्धार्थ था फिर वो। नहीं नहीं वो ठीक है, उनकी कैरेक्टर स्पेशल होंगे तभी तो वो इतनी पवित्र आत्मा। उनके ब्रह्मा का कैसे था? इवन ज्ञान के पहले बाबा बहुत सुलझे हुए थे, कितने गुणवान थे बाबा ज्ञान के पहले, तो वो जो बेस होगा वो वैसे तो अच्छा तो होगा ही ना, ऐसे हमारी तरह थोड़ी होगा जो गलतियां कर रहा हुआ पहले जो भी, और फिर उसमें वो आत्मा प्रवेश करती और वो जब तक रहती है जब तक ये धर्म पूरा स्थापन हो जाए, और बाद में फिर वो चली जाती है। वो बाद में जाएगी तो दूसरा शरीर लेगी, अब वो वापस, तो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही वो जीसस फेस कर रहा है, क्राइस्ट नहीं फेस कर रहा है। क्राइस्ट तो चला गया क्रूसीफाई बाबा, इतना उसके पीछे लॉजिक भी तो बताते ना कि जब वो आत्मा अभी अभी परम धाम से आई है तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो उस शरीर को क्यों कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़े? ब्रह्मा का तो 84वां शरीर था, तो इसलिए ब्रह्मा को फेस करना पड़ा, बाबा को थोड़ी फेस करना पड़ा, वो तो आके चला गया। ओनली उसमें और इसमें ये फर्क है कि ये आता है जाता है ब्रह्मा बाबा के तन में, क्योंकि परम पिता है वो, धर्म पिता है वो, एक बार आए रहते हैं और लास्ट में जाते हैं, उतना फर्क है। उनमें इतनी पावर नहीं है कि आए और जाए, ये पावर केवल परम पिता में। तो ये फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की, ये ब्रह्मा का भी पतित शरीर है, तो उनमें ज्ञान सागर बाप आए हैं। तुम जानते हो हमारा वह बाप है, ये आत्मा कहती है। अब तुम्हें आत्माभिमानी बनना है,
देह में आत्मा रहती है। जैसे कोई कहते मैं मर्चेंट हूँ, ये आत्मा ने इस ऑर्गन्स द्वारा कहा, आत्मा कहती मैंने 84 जन्म पूरे किए। बाप बैठ समझाते मैं हूँ आत्माओं का बाप, मेरा अवतरण भारत में ही होता है, मुझे अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, मेरा अवतरण भी भारत में ही होता है। यादगार में शिवलिंग दिखाते हैं, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा रूप है नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं हूं स्टार। जैसे आत्मा स्टार है, आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है, चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा आत्मा बहुत छोटी होती है, लाइट का साक्षात्कार बहुत करके सफेद होता है, इसलिए हमेशा वो बताते ना ज्योति। इवन अज्ञानी में वो फिल्मों में भी क्या बताते, वो ज्योति गई, ज्योति बताते हैं। तो लाइट का साक्षात्कार बहुत करके सफेद होता है। अभी कितने करोड़ आत्माएं हैं सतयुग में, इतने शरीरधारी आत्माएं हैं नहीं। अगर सतयुग में इतनी होती तो क्या उसका रिजल्ट होता, अगर सतयुग की पॉपुलेशन बहुत होती तो क्या हो जाता, तो फिर अभी तक तो पता नहीं कितनी सारी, क्यों क्यों अभी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, नए बताए दिव्या बहन बताओ। अगर सतयुग में बहुत पॉपुलेशन होती तो अभी फिर और ज्यादा होती, क्यों? हाँ, तो उसका रिजल्ट क्या है, राइट है? और थोड़ा फुल 60%। थोड़ा और, बाबा ने जो कहा सतयुग में इतनी पॉपुलेशन और होती तो अभी तो और ज्यादा हो जाती, जो भी 800 करोड़ है उससे भी ज्यादा, क्यों? हाँ, वापिस कोई जा नहीं रहा है इस कमरे में, सिर्फ आने वाले ही आते रहे, जाने वाले जाए नहीं, तो फिर क्या होगा? निकलने वाले निकले नहीं और जो है वो तो रहे, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ी। नहीं तो अगर बीच बीच में ऊपर कोई चला जाता परम धाम, बैठ जाता वहां, तो फिर तो इतनी पॉपुलेशन नहीं होती ना, काफी ऊपर चले जाते। ये एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का और कोई स्पिरिचुअल, उनको कितना भी वो कर ले ये चलेगा ही, क्यों चलेगा? क्योंकि हर आत्मा को प्ले करना ही पड़ेगा, चाहे 40 एक जन्म ही क्यों ना, करना तो पड़ेगा। तो इसका मतलब आने वाले तो आएंगे, जाने वाले एक ही बार जाएंगे, इस कारण ये भरता गया भरता गया। फिर अब ये कमरा, यही कमरा 20 लोग होते थे और यही कमरा अब 20,000 लोग है, क्या हो जाएगा? छीना झपटी होगी ना, स्कैर्सिटी होगी, ये कारण है। तो अभी पहले बहुत एबंडेंस था, वही इतने ही रिसोर्सेस, उतने ही पेड़ पौधे, उतने ही फल सब्जियां, और अभी उतने ही। लेकिन तो बाबा इसलिए कहते आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं होती। तो तुम बच्चे जानते हो ये कोई साधु संन्यासी नहीं, ये तो बाप समझाते हैं। इस बाप का कोई बाप ही नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, श्री कृष्ण का भी बाप था, बेहद का बाप, कहते मेरा कोई बाप ही नहीं, न टीचर है। सतयुग में भी बच्चे राज विद्या पढ़ने स्कूल में जाएंगे, टीचर होगा, हमारा तो कोई टीचर ही नहीं है। कौन कह रहा है? हाँ शिव बाबा, मैं तुमको राज्यों की शिक्षा देता हूं, मतलब देवी देवता ही भी पढ़ते, खाली मैं हूं जो पढ़ता नहीं। मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा, तुम बच्चे बनेंगे। पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, सतयुग में राज्य करते थे, ये निराकार बाप इस शरीर में विराजमान हो पढ़ाते हैं आत्माओं को, हम आत्माएं पढ़ती है, वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाप कहते हैं मैं तुमको अपना वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए, सतयुग में तुम सुख शांति वाले थे, रावण भूत वहां होता ही नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया,
अभी ये संपूर्ण विकारी दुनिया, अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने आए हैं। स्कूल में तकदीर बनाई जाती है ना, पढ़कर पास करेंगे, टीचर बनेंगे। यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हो। वह तकदीर बनाते इस एक जन्म के लिए अपना और दूसरों का शरीर निर्वाह होगा वो उनकी पढ़ाई से, तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते हैं, उसकी भी गारंटी नहीं। हाईली क्वालिफाइड हो और उतना ही हाईली पे हो, क्या गारंटी है? और अच्छा हो भी गया लेकिन मैं उसका सुख भोग पाऊंगा, इसका भी क्या गारंटी है? तो बाबा इसलिए कहते हैं वो एक जन्म की तकदीर है। तो जन्म उन तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए बैरिस्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा पूरे नए सिरे से। और यहाँ अगर ये पढ़ाई पढ़ते हुए शरीर छोड़ भी दे फिर क्या होगा? मैंने इतना पुरुषार्थ किया और शरीर छोड़ा, बहुत अच्छा। तो अब ब्राह्मण आत्मा ने शरीर छोड़ा फिर हाँ, अविनाशी का मतलब क्या? हाँ, अब वो बच्चा जन्म भी लेगा ना, बहुत वो इस यहाँ का पूरा उसके संस्कार वो साथ जाएंगे। अब उसके आगे के आगे से उसकी स्टडीज वो शुरू होगी, ज्ञान में आ जाएगा, बहुत फास्ट भागेगा, योग उसका परफेक्ट सब कुछ। तो ये पढ़ाई अविनाशी, उसको फिर वापस एबीसी से इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। कितने बच्चे हैं तो कोर्स ही नहीं किया, हमने कभी कोर्स ही नहीं किया। तो वह शरीर निर्वार्थ दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा, वह शरीर निर्वार्थ धंधा एक जन्म के लिए। बाप तो कहते मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूँ, ये बेहद के बाप ने कहा, उनका कोई बाप नहीं है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके हैं, बाबा भी कहते हाँ बच्चे तुम हमारे कल पहले थे अभी फिर बने हो। यह है ईश्वर बाप से बच्चों का स्नेह, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर हेल्थ और वेल्थ दी थी, क्योंकि नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही तकदीर बनाते हैं, वह होती है हद की, यह है बेहद की तकदीर। यह स्कूल है सत्संग नहीं, सत्संग में तो जाते हैं, कोई ने रामायण ग्रंथ आदि सुनाया, बाबा तो नॉलेजफुल है, बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं। कहते मैं तो सब कुछ जानता हूं, ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि वह है मोस्ट बिलवेड बाप जिसको सब याद करते हैं। किस इस पति दुनिया में आओ, आकर हमको सुख घनेरे दो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब सम्मुख आकर बच्चे बने हो, बाप है विचित्र, उनका कोई चित्र ही नहीं है, परंतु चित्र के आधार बिगर शिक्षा कैसे देवे? इसलिए कहते मैं शरीर का आधार ले इन द्वारा तुमको पढ़ाता हूं। इसलिए ये शरीर का, क्योंकि बोलू कैसे, फोन चाहिए ना, दूर बैठे को बोलना होता है। तो तुम जानते हो, और वो भी सेम है, आप व्हाट्सएप से कॉल करते हो तो मैं भी कॉल कब रिसीव करूंगी? मेरा भी व्हाट्सएप चाहिए, मेरा दूसरे ऐप से नहीं चलेगा आपका कॉल। तो मैं आत्मा इस शरीर में हूं और व्यक्त कर रही हूं, मुझे उसको मेरे से बात करनी है, उसको भी हमारी तरह कोई शरीर लेना होगा सेम। अच्छा, अब वो जानवर का शरीर लेगा और मनुष्य को पढ़ाएगा, सोचने की बात है कैसे कचमच में आ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उनसे देवताएं है रचना, लिखा हुआ है भगवान उवाच, वह है निराकार ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः। इसलिए कहते मैं शरीर का आधार ले इन द्वारा तुमको पढ़ाता हूं।
ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि वह है सूक्ष्म वतनवासी, देवता है रचना, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता, तो फिर मनुष्य मनुष्य को वर्षा कैसे दे सकते? तो इन बातों को कोई समझ न सके, यह है गॉड फादरली कॉलेज, भगवान पढ़ाते हैं बच्चे, मैं तुमको मनुष्य से देवी देवता बनाता हूं, ऐसे और कोई कह न सके, सन्यासी है ही निवृत्ति मार के। सत्युग में तो प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे, अब मैं फिर आया हूं पतितों को पावन बनाने। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, आत्मा ही पतित होती है, जैसे सोने में खाद पड़ती है फिर जेवर खाद वाला बनता है, आत्मा में भी खाद पड़ती है तो आयरन एजड बन जाती है। तो सत्युग में सोना प्योर सोना, आत्मा प्योर सोल, और फिर धीरे धीरे विकार की खाद मिलती गई, इसलिए वो स्टफ होता गया, और इतना ज्यादा कलयुग में विकार वो मिलते गए विकार, सोना कितना रहा तो एकदम स्टफ हो गया। इसलिए ये संस्कार है ना, मैं चेंज नहीं कर सकती, ये मुझे पता है, ये स्वभाव मेरा ठीक नहीं, मैं नहीं चेंज कर सकती। कितने सारे हमारे संस्कार हम चेंज ही नहीं कर पाते, कितना सोचने के बाद, ज्ञान में भी कितना समय चलने के बाद, अभी हम देखेंगे ना 23rd को संस्कार परिवर्तन, कितना संस्कार चेंज हो, वो वाला संस्कार और ये वाला संस्कार। तो ये है बहुत ज्यादा खाद मिल गई ना। सत्युग में तुम गोरे अर्थात सुंदर थे, एक की बात नहीं है, सारी राजधानी गोरी सुंदर थी, अब शाम बन गई है, आत्मा और शरीर दोनों ही रोगी बन गए हैं। तुम जानते हो हम सब पूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बनाया है, देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण ही नहीं, हम कंगाल दुखी है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत सिरताज था, अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, बाप को जानते ही नहीं, यह तो जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसकी पूछ रहे बाबा, किस किसकी विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी, कौरों की, यादव और कौरव, इनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब परिस्थिति आई और उस समय हमारी बुद्धि और ही रॉन्ग हो गई, देखो सब कुछ गलत है, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम चल रही है, संबंधों में भी प्रॉब्लम चल रही है, वहां ऑफिसेज में इश्यूज चल रहे हैं, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन इन सब के होते मन अगर साथ देना तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसे विनाश काल में अगर मन ही चला जाए विपरीत बुद्धि, उस समय बाबा पर कंप्लीट निश्चय, कुछ भी नहीं, बाबा बैठे, उमा बाबा का था, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, बस मन गया सब कुछ गया, और उसी काल में विनाश काले प्रीत बुद्धि, बस मेरा बाबा की तरफ, बाबा से योग इतना ज्यादा बढ़ गया, दो दो बजे बैठ के योग करते थे और भक्ति की और पुरुषार्थ किया, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजय, बस इतना ही फर्क है। तो बाबा कहते हैं तकदीर बन जाने की यह पढ़ाई है, स्वर का मालिक तो स्वर की स्थापना करने वाला ही बनाएगा, स्वर की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। भारत सिरताज था, यादवों और कौरवों की है विनाश काली विपरीत बुद्धि, जो बाप को नहीं जानते हैं, भगवान उवास तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी वो भी जग चुकी है, यह पढ़ाई है तकदीर बन जाने की। तुम गाते भी हो दुख में सिमरण सब करे सुख में करे न कोई, भक्ति शुरू होती है द्वापर से, भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़े, अब भगवान घर घर बैठे आए हैं
भारत में, भारत उनका घर है ना, शिवरात्रि भी यहाँ मनाते हैं, मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को बैठ नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान अमृत अथवा सोमरस भी कहते हैं, गोल्डन एजड बनाने के लिए नॉलेज देते हैं, तो नाम सोमनाथ पड़ा। अभी तो भारत कितना कंगाल है, तुमको इस समय 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, कहाँ बैठ कर पढ़ते हो? यहाँ यह तो बड़े ते बड़ा हॉस्पिटल कम कॉलेज है, तुम मिड गेट हो, न कलयुग में न सतयुग में, बीच में संगम। कहते हो बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा हूं। कौन है 12 मास का? या 12 मास वाला कोई नहीं, बड़े हो गए सब। अच्छा, आत्मा बोलती है इस शरीर द्वारा कि बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूं, तुम मिड गेट हुआ ना। बोलता है मैं आपका बना हूं। अच्छा, अब अच्छी रीति पढ़ो तो साथ ले जाऊंगा। सन्यासी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, बाप को छोड़ रहने के स्थान को याद करते हैं, समझते कि ब्रह्म ही भगवान है, लेकिन ये उनों का मीठा भ्रम है। ब्रह्म तत्व जिसमें हम अशरीरी आत्मा ही निवास करती है, उसको भगवान कैसे कहा जा सकता है? रहने का स्थान है, ये घर है, घर में आत्माएं रहती है, वहां आती है। हाँ, उस घर में जो रहने वाला है उसे मिलती है, उसका मीनिंग ये नहीं कि वो उसके अंदर समा जाती है। ये हो गया ना, वो तो रहने का स्थान है, समझते कि ब्रह्म ही भगवान है, लेकिन ये उनों का मीठा भ्रम है। ब्रह्म तत्व है जिसमें हम अशरीरी आत्मा निवास करती है, फिर कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो आत्मा तो अविनाशी है, लीन कैसे होंगे? कितनी कई बार हमने डिस्कस किया है ना, क्यों लीन नहीं हो सकते? आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। एनर्जी अविनाशी है, अगर लीन हो जाए तो अस्तित्व समाप्त, फिर आत्मा अविनाशी ये बोल नहीं सकते। और दूसरा सिंपल, मेरा मन आपके मन में लीन हो जाएगा? हो सकता है मेरा मन आपके मन में? हम दोनों एक तरीके से एक जैसे सोच सकते हैं, पर मिक्स कैसे होगा मेरा मन? शरीर नमक है, पानी है, उसमें घुल सकता है, फिजिकल चीज मिल सकती है, सटल चीज कैसे मिक्स हो जाएगी? तो बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी, उनको पाठ बजाते ही रहना है। बाप अच्छी रीति बैठ समझाते, ये दादा भी भल शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं परंतु कुछ मुझे जानते ही नहीं, मुझे नहीं जानते थे, अब इनको भी सुनाता हूँ, इनकी आत्मा सुनती है, मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, ये भी सुनता है, इनके मुख से ही पढ़ाता हूँ, तुमको देही अभिमानी बनाता हूँ, बंधन मुक्त। दुनिया में कोई देही अभिमानी होते नहीं, तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, 5000 वर्ष पहले मुआफिक। सन्यासियों आदि को अपने शास्त्रीय बुद्धि में आएंगे, यहाँ तो कोई शास्त्र की बात ही नहीं है, बाप को क्या याद आएगा, वह तो मालिक है। तुम याद करते हो बेहद के बाप को, तो प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, दादे से वर्षा लेते हो ब्रह्मा द्वारा, फादर है साकार, ग्रैंड फादर है निराकार, शिव बाबा की आत्मा इसमें है, दोनों है निराकार, ये साकार फादर, साकार फादर, फादर भी है तो मदर भी है, इनसे तुमको एडॉप्ट करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता धारणा के लिए सार। अच्छा मिला आंसर। इक्कीस जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। अच्छा इस रूहानी नॉलेज की विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं है, इस रूहानी कॉलेज की। और ये राइट है, 21 जन्म। पढ़ाई अविनाशी है। अविनाशी है। और एक जन्म की नहीं, 21 जन्म। मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। एक जन्म के अलावा 21 जन्मों की पढ़ाई है। विचित्र हैं जिनका कोई चित्र नहीं है। हाँ चित्र विचित्र बाप पढ़ाते, तो यही एक कॉलेज है जहाँ कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं है। हमारा गुरु टीचर फादर तो है ही, लेकिन वो है कोई देहधारी नहीं है। कई लोग समझते ये ब्रह्मा है ना, ये शायद आपके गुरु है। सब लोग स्टार्टिंग में यही समझते हैं। स्वयं निराकार भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। ये ऐसा विचित्र बाप है जिसे अपना कोई चित्र नहीं है, अपना कोई बाप व टीचर नहीं, और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती। थोड़ा सा भी पढ़ा है फिर भी उसके मतलब मैक्सिमम 21 जन्म तो जगी जाती है। उस पढ़ाई से तो एक जन्म की तकदीर बनती है, इससे 21 जन्मों की बनती है। अगर ये पढ़ाई रोज क्लास में आने वाले एटलीस्ट 12 प्लस तो फिक्स्ड है ना, नहीं 12 प्लस जन्म तो उसके नहीं जरूरी, मतलब चलो ब्राह्मण आत्माएं आती रहेगी ना। सोचो आप सोचो, 23 से तो ज्यादा होंगे ना रोज पढ़ाई पढ़ने वाले सत्युत। 12 प्लस तो फिक्स हो गई ना, 23 से तो ज्यादा हो गई। क्लियर। 8 जन्म सत्यु के, 12 जन्म इसके। अच्छा जी वरदान है नहीं धारणा के लिए सार है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। एक बाप की मत पर चल, अपना खाना आबाद करना है। दूसरा है आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी बनना है। याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान है सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फराक दिल भव। सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फराक दिल भव। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, कभी भी ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कोई कैसा भी है बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी अपने से दूसरों से सेवा से कभी ना उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल,
सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं करो, नॉलेजफुल बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। ये भी एक बहुत बड़ा दिल, दुनिया में बड़ा दिल मानते हैं कि भाई बहुत देने वाला दिल है, दाता है, लेकिन बड़ा दिल मतलब लास्ट पर्सन टू गिव अप। कौन थी ऐसी दादी, जानकी दादी, लास्ट पर्सन टू गिव अप। हम तो ठीक है, तुम सुनते नहीं हो ना, छोड़ो, कितना फास्ट रिजेक्ट कर देते हैं। लास्ट पर्सन, उम्मीद रखना है, मतलब होप इन, शुभ भावना, उम्मीद मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं, शुभ भावना। और नेगेटिव भावना में बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे, तुम ना कोई सुधरने वाली नहीं, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस सारे अगर स्टेटमेंट्स है गिव अप करने वाले हैं। स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। मैंने कई बार बताया ना, बाबा ने एक बार वो गीत आया था ना, नया पुराना गीत था वो, मतलब वो गीत जब नया नया आया था, मैंने इधर गाया भी था, गाया मतलब छोड़ के नहीं जाना, याद रखना, कौन सा गीत था उस दिन आया भी था। तो वो जो नया नया आया था तो उसको बाबा ने टेप, वो वाला गीत, एक बच्चा बाबा के पास बहुत अच्छी सेवा करता था, फिर बाद में छोड़ के चला गया, तो बाबा ने वो गीत, याद आया किसी को, वो गीत भेजा बाबा ने रिकॉर्ड करके, मतलब वो रिकॉर्डिंग गीत की, उस समय वो फिल्मों में नया नया वो गीत आया था। और आ गए दिल में तुम मेरी महफिल में तुम, वो तो नहीं है जी, आ गए दिल में तुम मेरी महफिल में तुम, मेरी नजरों से बच के कहां जाओगे। नहीं, कुछ कहां जाओगे कुछ जा था, तो बाबा ने रिकॉर्ड करके, मतलब उसको एक बच्ची के हाथ, उस बच्चे के पास भेजा। और उसमें मतलब बाबा देखो, छोड़ के जाने वालों के पास भी, नहीं तो छोड़ देना, छोड़ो ना क्या, जब तुम मुझे याद आओ, जब तुम, हाँ कोई जब तुम्हें छोड़ दे, हाँ मेरे, कोई जब तुम्हें अकेला छोड़ दे, कुछ ऐसा है, हाँ मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, ये वाला, हाँ हाँ हाँ, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, हाँ कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहे। ये रिकॉर्ड करके उस समय आया था, बाबा ने उसको भेजा था। ये हमारा बाप है, नो नॉट टू गिव अप। और फिर वो आ जाए तो मुंह भी नहीं बनाना, पुरानी यादें भी लेकर नहीं आना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आ तो जाएगा वो आपके गीत सुनकर, पर हम फिर बाद में वेट करते हैं, ये बात सुनाएंगे। बाबा ने ऐसा, लास्ट पर्सन टू गिव अप। अच्छा, आज 15, 9 दिन बचे हैं, कितने दिन, इस एक जन्म के स्वमानधारी सारा कल्प सम्मानधारी बन जाते, उन्हें अपने राज्य में प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, और इस लास्ट जन्म में भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देखते व सुनते हैं। कितना सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं, ये बाबा कह रहे हैं, सम्मानधारी सो सम्मानधारी।
केवल सम्मान में रहो, सम्मान मिलता भी रहेगा और देते भी रहे। सम्मान नहीं मिलने का एक कारण है, हम कहते थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए बच्चों को, हमारा बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, शब्दों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कटोरा लेके खड़े क्यों है? क्या करना है? सम्मान में बैठ जाओ, मैं अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट दो, दूसरे ऑटोमेटिक देंगे। और वही मैटर करता है ना, घर वाले आपको दे नहीं, पूरी दुनिया दे, वैकेंसी लगेगी? और घर वाले दे रहे हैं, पूरी दुनिया नहीं भी, खुद खुद को। तो ये बाबा के महावाक्य बहुत प्यारे है ना।